सब्सक्राइब करें नेक्स्ट परीक्षा यूट्यूब चैनल को और घंटे का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक है, इफ टैन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, देन आपका आंसर होगा 1 2 3 4। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये चार ऑप्शन में जो फॉलो करता है वो आपको टिक करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा करना है ये, इसको पहले पहले नंबर पे पहले चेक करेंगे। तो पहले पर अगर चेक करते हैं, यहाँ पे m और n की वैल्यू इस वाले फॉर्म इस पे रख देंगे, इस कंडीशन पे रखते हैं, ठीक है। इस पे जैसे रखेंगे इसका वर्ग, लेकिन ये ना करके उससे लंबा बहुत बढ़ेगा, इसलिए हम थीटा यहाँ पे थीटा एंगल मान लेंगे, एंगल मान लेंगे 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री अगर मान ले लेते हैं, तो 45 डिग्री में आपका ये होगा टेन, टेन 45 का वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 45 1/√2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 1/√2, ये आपका ये वैल्यू हो जाएगी आपकी m की। और इसी तरह इस पे भी जब सेम एंगल होगा तो ये आपका हो जाएगा सेम, यहाँ पे साइन की वन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, ये आपकी वैल्यू हो गई n की। ये दो वैल्यू आपके पास, हम m और n की वैल्यू ये ना रख के ये रखेंगे तो आने के चांस जल्दी होते हैं, ठीक। तो हाँ, आपका पहले नंबर पे इस पे रखते हैं, पहले कंडीशन पे, पहले ऑप्शन पे, अगर पहले पे रख दिया जाए तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर ये रखते हैं, m का स्क्वायर है, तो इसका ये आपका √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर एंड -√2 -1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसे अगर सॉल्व करते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से आप ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आपका 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो ये आपका कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा ये a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा वो -2ab वाला, ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो गया 2a × b, तो 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab हो जाएगा 4ab, यानी 4√2। अब ये आपका इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से ये हट जाएगा, ये आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट 2, ठीक है। तो ये आपका 2 × 4, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2√2। और आपका अगर राइट हैंड साइड अगर आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड, अगर यहाँ पे लेते हैं RHS जैसे ही लेंगे, ये हमने लिया था LHS, यहाँ पे RHS जैसे ही लेते हैं, तो यहाँ पे 16m × n, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो ये आपका हो जाएगा इतना गुणे इतना, तो ये आपका 16 और √2 प्लस 1/√2, एंड ये नेक्स्ट है √2 माइनस 1/√2, तो ये √2 √2 ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये काटते हैं 2 8 16, तो ये 2 8 16 यहाँ आपका आ जाएगा 8, और ये a + b a - b ये आपका हो जाएगा a² - b² यानी 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर यानी 2 - 1 यानी ये आपका 1 हो जाएगा, तो आपका RHS आ रहा है 8, जो कि आपका LHS ये है। और यहाँ पे पहले पे आपका बनेगा 2√2 does not equal to 8, तो ये आपका कतई नहीं हो सकता, ठीक। अब क्या है, अगर इसे वेरीफाई करेंगे तो इस पे भी यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसे सी, अच्छा इसको बी को अगर करना है तो बी को चेक कर सकते हैं, बी को कैसे चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो आपका बी आ जाएगा m² + n² यानी इतना प्लस इतना, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे साइन आपका चेंज रहेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर सेकंड बी वाले पे, बी वाला ये हमने ए पे चेक किया था, तो ये यहाँ पे केवल साइन चेंज होना है, तो ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ से भी कॉमन का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे आपका ब्रैकेट में बचेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर जैसे ही तोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 2a² + b² 2a² a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, ठीक, ये आपका ये, हाँ ये a और b की वैल्यू, ठीक है, तो a² और b² यानी √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाता है 1/2, ये 2 हो जाएगा, तो 2 × ये आपका हो गया 2
रूट टू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, 2 × 3 3, 2 × 2 तो ये आपका आ गया, ये आपका 3, यहाँ पे आपका LHS 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे सारे में 16 mm ये सेम है ना, तो ये आपका RHS 8 है, जो कि ये और ये वैल्यू सेम नहीं है। तो अब आपका करेंगे क्या कर सकते हैं, अब आप इसका थर्ड नंबर पे जैसे ही आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आप पहले से ही निकाल चुके हैं ना, यहाँ से फर्स्ट नंबर पे ये तो निकाल चुके हैं ना, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई थी, रूट टू। अब इसका जैसे सी नंबर पे आप चेक करते हैं, सी नंबर पे तो इसका वर्ग कर देना है सीधा, इसका ये आपका LHS था ना, रूट टू का जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो गया 2 × 4 हो जाएगा 4, और रूट टू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपका 8। और राइट हैंड साइड हमने पहले ही चेक कर रखा है, तो ये आपका जैसे ही आपका ये 8 आ गया, दोनों वैल्यू वेरीफाई हुई, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इंटीग्रेशन से है। ये आपका है e की पावर log tan x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बहुत छोटा दिख रहा है, बाकी जल्दी जल्दी में बच्चे इसे गलत कर देते हैं, और एक नंबर का सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसे करने का सीधा अगर आपको फार्मूला याद होएगा तो ये होता है e की पावर log something, तो ये होता है आपका something, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से हो रहा है आपका tan x dx, और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है log sec x, ठीक, और यहाँ पे ये कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, तो आपका आंसर ये होगा। चलो कर दिया, होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला गया है कि लिमिट 0 to π/2, और यहाँ पे है log tan x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसे करने के लिए अच्छा आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दे देता हूँ। पहला है π/2, बी नंबर है, सेकंड ऑप्शन है 0, सी नंबर है π/4 एंड डी π/8। आपको इसका आंसर बताना है, जो है उस पर टिक मारना होगा। तो ये आप इसे ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर लेते हैं, ये अगर लिमिट यहाँ पे होती, ये लिमिट जो आपका फोर्थ लिमिट होता है, प्रॉपर्टी फोर याद किया करें, जब यहाँ पे 90 वगैरह कुछ दिया हो, इसका ये और इसका सम अगर 90 है, π/2 आ रहा है, तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पे हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। और प्रॉपर देखेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन किया गया है, तो यहाँ पे x की जगह इस एंगल को दोनों को ऐड पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, जब ये एंगल अपर और लोअर एंगल का योग जो हो, यहाँ की जो वैल्यू दी गई हो इसका अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप x की जगह क्या कर देंगे, ये दोनों का ऐड यानी π/2 - x, ये वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे ये वैल्यू, आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या होएगा, ये tan π/2 - x, ठीक है। आपका एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 5, वहां से क्या होता है कि x की जगह यहाँ पे fx है, ठीक, अगर fx dx है आपका, ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका फंक्शन है, फंक्शन का समाकलन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू होएगी 0, और कब होएगी, जब fx dx बराबर अगर माइनस fx
आ जाता है। अगर यहाँ पे अगर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, या यहाँ पे टेन माइनस एक्स सिर्फ यहाँ पे पटक देंगे, टेन माइनस एक्स जैसा कि पता है कि ये हो जाता है माइनस टेन एक्स, माइनस बाहर आ जाता है ना, तो इस पर डायरेक्ट ये हो जाएगा।